हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एट 300 केल्विन द टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ए एंड बी इन वाटर आर रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हाउ मच एक्सटर्नल प्रेशर इज नीडेड टू बी अप्लाइड ऑन विच सॉल्यूशन सो एज टू प्रिवेंट ओस्मोसिस। तो हमें ग्लूकोज के दो सॉल्यूशंस गिवन है, उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कंसेंट्रेशंस गिवन है उनकी, हमें बताना है कितना एक्सटर्नल प्रेशर हमें लगाना है ताकि ओस्मोसिस को हम प्रिवेंट कर सके। सो एंड द ऑप्शंस आर 0.2463 एटमोस्फेयर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन बी, 0.2217 एटमोस्फेयर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन ए, 0.0246 एटमोस्फेयरिक प्रेशर ऑन बी, 0.0217 एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन ए। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोसिस होने से हमें प्रिवेंट करना है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को हमें क्या करना है, प्रिवेंट। सो एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस के केस में यही होता है, डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड में सॉल्वेंट मूव करता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अकर फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्रेशर तो हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, प्रेशर जहां पे ज्यादा कंसेंट्रेशन है। प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, 0.01, मतलब ए वाला। सो दैट इज 0.01 मोलर सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ओस्मोसिस। टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। सो हमें प्रेशर कहां पे लगाना पड़ेगा, ए सॉल्यूशन पे। अब हम निकालते हैं कि प्रेशर कितना, हाउ मच एक्सटर्नल प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवन बाय सी आर टी। सो फोर हियर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज कंसेंट्रेशन, आर इज कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर। 4 0.01 मोलर सोल्यूशन। पाई वन विल बी 0. मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या होती है, 0.821। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो ये आ गया 0.2463 एटमोस्फियर। नेक्स्ट 4 0.001 मोलर सोल्यूशन। पाई टू कितना आ जाएगा, 0.001 मल्टीप्लाई 0.821 मल्टीप्लाई 300, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2463 एटमोस्फियर। सो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर वो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पाई वन माइनस पाई टू दैट इज 0.2463 माइनस 0.02463, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.2217 एटमोस्फियर। सो हमें इतना प्रेशर लगाना है ऑन सॉल्यूशन ए। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।